दोस्तों, एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। थोड़ा बड़ा होते ही वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाने लगा। बच्चा और बड़ा हो गया, यहाँ तक कि उसकी 10th भी कंप्लीट हो गई। जूनियर कॉलेज पास करने के बाद उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। कुछ दिनों बाद उसको जॉब भी मिल गई। फिर उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और कुछ सालों बाद वो मर गया। क्या हुआ, स्टोरी पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई तो बदल दो, क्योंकि ये आप सबकी भी तो कहानी है। और अगर कहानी बदलनी है तो सबसे पहले उस मकसद को ढूंढो, उस वजह को ढूंढो, ताकि तुम खुद को बदल लो। क्योंकि जब तक वो वजह नहीं पता चलेगी, वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए मोटिवेशनल वीडियोस देखकर कुछ लोग कहते हैं, भाई मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अरे टिकेगा भी कैसे, क्योंकि जब तक उस मोटिवेशन को कोई मकसद नहीं मिलेगा तो वो तो हवा होगा ही ना। और जब तुमको कोई मकसद मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, और तब वही मकसद तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और मकसद ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि साथ में पढ़ने वाले दो दोस्तों में से एक कामयाबी के झंडे गाड़ देता है और दूसरा बाकी आबादी की तरह जीता है। अब वो कहानी सुनो जो तुम्हें पसंद आएगी। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके डैडी की आदत थी कि वो बहुत शराब पीते थे और घर आकर दोनों बच्चों को बहुत मारते थे। दोनों बच्चों को सेम ट्रीटमेंट मिलती थी। फिर भी कुछ सालों बाद एक बच्चा IAS ऑफिसर बन गया और दूसरा अपने बाप की तरह शराबी बन गया। जब उनसे उनके बारे में सवाल किया गया तो दोनों का जवाब सुनने लायक था। जरा गौर से सुनना। जब शराबी से पूछा गया कि तुम शराबी कैसे बने, तो उसका जवाब था कि ये सब मेरे डैडी की वजह से हुआ है। वो हर रोज शराब पीकर आते थे और हमें मारते थे, जिसकी वजह से मुझे ये आदत लग गई। और जब IAS ऑफिसर से पूछा गया तो उसने कहा, ये सब मेरे डैडी की वजह से हुआ है। वो हर रोज शराब पीकर आते और हमें मारते थे। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सब से बाहर निकलूंगा और कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, ताकि वापस मुझे ये लाइफ ना जीनी पड़े। और इसी वजह ने मुझे आज IAS ऑफिसर बना दिया। दोस्तों, आप लोग भी किसी न किसी मुसीबत से गुजर रहे होंगे, पर उस मुसीबत को कभी भी वजह मत बनने देना अपनी नाकामयाबी की। उल्टा उस मुसीबत को अपना मोटिवेशन बनाओ, ताकि वो मुसीबत कभी तुम्हारे आसपास भी ना टिकने पाए। और इस दुनिया में कमी नहीं है ऐसे लोगों की, जिनके पास ना कोई वजह है ना कोई मकसद है इस दुनिया में जीने का। वो बस भीड़ के साथ चल रहे हैं, और ऐसे ही लोग वहीं पहुँचते हैं जहाँ उन्हें भीड़ ले जाती है। और बड़ा सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर कोई देखता है। और हर कोई नहीं चाहता कि वो स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जिए, पर उनके पास कोई वजह नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी को बदल सके। इसीलिए सपना देखो और साथ ही उस वजह को ढूंढो जो तुम्हें बताए कि तुम्हें ये सपना पूरा क्यों करना है और कैसे करना है। और वजह कुछ भी हो सकती है, किसी से मिला धोखा या तुम्हारी इंसल्ट, कुछ भी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय बाय।